बंसरी तो चैन से बज सकती है, कोई अस्पताल जा रहा हो, अशांत हो, शमशान घाट किसी को ले जा रहा हो, बंसरी तो नहीं बजाएगा। तो उस दुनिया में जाने के लिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चों ने लंगर उठा लिया, अर्थात यहाँ से पीठ कर दी, अब हमारा मुख किधर है, हमारा मुख किधर है, नई दुनिया की तरफ। ऐसे तो नहीं कि नई दुनिया की तरफ जाते हैं, पीछे से आवाज आती है रुक जाओ ठहर जाओ, और आप मुड़ मुड़ कर वापस देखते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के वापस देखते रहोगे तो वहीं रह जाओ। तो एक बार रिपीट कर ली तो कर ली। ब्रह्मा बाबा एक खिलौना दिखाया करते थे जिसके अंदर क्या था, सीता जी थी, एक एक उसके एक हिस्से में जो अलग था सीता जी थी, और दूसरे में जो थोड़े फासले पर था, एक तरफ राम जी का चित्र था, दूसरी तरफ रावण का चित्र था। तो उस खिलौने में, आजकल भी शायद मिलता होगा, उस खिलौने में जो ही श्री राम का चित्र सामने आता था तो सीता, नीचे मैग्नेट लगा हुआ था, अपने आप उनका मुंह उस तरफ हो जाता था, राम जी की तरफ। और जब उसको चेंज करके रावण का चित्र लाओ तो सीता फौरन पीठ कर दी। तो कहने का भाव यह है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसीलिए कोई कहे कि मैं दोनों हाथ में लड्डू रखूं, हो नहीं सकता। दो घर का मेहमान का क्या हाल होता, दो घर का मेहमान भूखा रह जाता, क्योंकि उसको ना माया मिलती है ना राम मिलता, बीच में लटक जाता है दर्शकों की तरह।